तो फाइनली पबजी मोबाइल गेम इंडिया में बैन कर दिया गया है। सिर्फ पबजी नहीं, इसके साथ साथ पूरे 118 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया, जिसमें काफी पॉपुलर भी एप्लीकेशन थे। जी हाँ, जानेंगे क्यों बैन किया गया और कौन कौन से एप्लीकेशन को बैन किया गया। वीडियो एंड तक बने रहना। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। हाँ, जानता हूँ वीडियो बहुत लेट हो गया, दरअसल मैं इस दुनिया में रहता ही नहीं हूँ। काम की बात कर लेते हैं। पबजी मोबाइल इंडिया में बैन कर दिया गया। पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट, ध्यान रखिए, पबजी PC को बैन नहीं किया गया क्योंकि वो चाइनीज नहीं है। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि पबजी मोबाइल गेम और पबजी मोबाइल लाइट ये चाइनीज हैं और कैसे चाइनीज है पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है। वो आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। लेकिन जो लोग उस वीडियो को देखने के बाद भी ये बोल रहे थे कि भैया ये चाइनीज नहीं है, अब क्या कर लोगे, खैर ये मजाक था मेरी तरफ से, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट ये दोनों ही गेम चाइनीज हैं। चाइना की कंपनी टेंसेंट ने ही इसको डेवलप किया गया, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ब्लू होल कंपनी, कोरियन कंपनी उसका था, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया, तो वो वीडियो देख लेना। अब सरकार ने जो 118 एप्लीकेशन को बैन किया गया, इन सभी एप्लीकेशन से नेशनल सिक्योरिटी को खतरा था, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने जो भी खुफिया एजेंसी थी उनके द्वारा, इसके अलावा काफी सारी रिपोर्ट मिली पिछले कुछ दिनों से, काफी समय से रिपोर्ट मिल रही है इनके लिए कि ये एप्लीकेशन जो है पबजी मोबाइल गेम है, और इसके अलावा लूडो भी है और वीचैट भी है और शाओमी की कई एप्लीकेशन है, स्क्रीन पर आपकी लिस्ट दिखा रहा हूं, तो ये सभी एप्लीकेशन पे खतरा था। शिकायतें ये मिल रही थी कि ये जितने भी एप्लीकेशन है डेटा चोरी करके चाइना के सर्वर पर अपलोड कर रहे थे, और चाइना का सर्वर क्या करता है ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था, क्योंकि चाइना की जो जितनी भी कंपनियां उसके सर्वर हैं तो वहां की गवर्नमेंट उस पर नजर रखती है और सभी डेटा को ट्रैक करता है। हालांकि चीन और इंडिया हमारे भारत के बीच में जो विवाद है चल रहा है, तो उसके लिए एक और खतरा बन रहा था, जो कि पहले 49 उसके बाद 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया गया था, अब फाइनली 118 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। लेकिन अगर आपने अभी अपने स्मार्टफोन में पबजी मोबाइल या पबजी मोबाइल लाइट को इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो हो सकता है आपके स्मार्टफोन में चल रहा हो, या फिर जब ये वीडियो आपको मिले तब तक हो सकता है ना चले, हो सकता है प्ले स्टोर से भी रिमूव कर दिया जाए। लेकिन अभी मैंने चेक किया 9 बजे तक का लोगों ने बताया था, टाइम दिया था, लेकिन अभी भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है और मेरे फोन में भी पबजी चल रहा है। अब देखते हैं कब तक चलेगा कब तक नहीं। और एक चीज मैं और आपको कंफर्म कर दूं, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि पबजी मोबाइल या पबजी मोबाइल लाइट पे या इन सभी एप्लीकेशन जितने भी बैन किए गए इन पर परमानेंट बैन है या फिर टेम्परेरी बैन है, ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है जो बैन है वो हटा दिया जाए, क्योंकि ये कंपनियां वापस से चाहेंगे कि वापस से यूज किया जाए, मुकदमा लड़ सकती हैं और अपनी सफाई में भी ये लोग जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे। तो अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि टेम्परेरी बैन है या फिर परमानेंट बैन है। बाकी आपके क्या राय है इस बारे में मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप पबजी बैन होने से खुश हैं या फिर नहीं, या फिर आपको दुख है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, एक तरह से सही भी है, क्योंकि जो हमारे यंगस्टर या फिर जो बच्चे हैं वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। दूसरी चीज ये भी है, दुख की बात, काफी लोगों ने इस पर अच्छा करियर भी बना के रखा था। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और एक चीज ध्यान रखना, पबजी PC बैन नहीं हुआ है, क्योंकि पबजी PC चाइनीज नहीं, पूरा का पूरा कोरियन है। बाकी और ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय और टेक केयर।